Hi everyone, welcome to Indian Kitchen Recipe Channel. I hope you all are doing good and great. So today's recipe is going to be Easter special. Yes, Easter special cake hum banane wale hai. Aur jo special cake hum banane wale hai, wo hai carrot cake. To ye bahut hi yummy, delicious si, simple si cake ki recipe hai. Bahut hi soft aur फ्लफ़ी बनने वाली कैरेट केक है जो होममेड विदाउट अवन बनने वाली है, प्रेशर कुकर में बनने वाली है. सो दिस रेसिपी इज़ गोइंग टू बी रियली डिलिशियस, यू तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा. तो चलिए हम शुरू करते हैं रेसिपी. तो सबसे पहले हमने ले लिया है कैरेट्स और ऑरेंज कलर के कैरेट ले लिए. तो यहाँ पे हमको चाहिए 1 कप ग्रेटेड कैरेट. तो उसके लिए हम ग्रेटर में कैरेट को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे और टोटल हम 1 कप ऑफ ग्रेटेड कैरेट ले लेंगे. तो आप प्लीज़ मेजर कर लीजिएगा कि 1 कप ऑफ ग्रेटेड कैरेट जितना होगा उतना कैरेट ग्रेट करके आप साइड में रख लीजिएगा. फिर हम लेंगे 3/4 कप ऑफ शुगर और इसको हम ग्राइंडर में डाल के हम इसको पाउडर शुगर करने वाले हैं. तो यहाँ पे हमने 3 क्लोव भी ऐड कर लिया है और इसी के साथ हम इसको मिक्सर में ग्राइंड करके अच्छा सा सॉफ्ट पाउडरी टाइप शुगर करेंगे. दरदरा नहीं होना चाहिए, नाइस पाउडर होना चाहिए, वरना कैरेट के ऊपर ऊपर शुगर आ जाएगा. तो नेक्स्ट उसी ग्राइंडर में हमने शुगर को साइड में रख लिया है, उसी ग्राइंडर में हम लेने वाले हैं 2 eggs और उसमें हम इसको अच्छे से पहले eggs को हम बीट कर लेंगे. इसके अंदर हम डालेंगे वेनिला एसेंस. तो 1 teaspoon ऑफ वेनिला एसेंस हम इसमें ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे हम एग्स के साथ. अब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड करके निकाल लेंगे. ये देखिए, ये अच्छा सा सॉफ्ट सा फ्लफी सा मिक्सचर हो गया है. तो इसमें हम डालेंगे ऑयल. यहाँ पे हम ऐड करने वाले सनफ्लावर ऑयल. 1/2 कप ऑफ सनफ्लावर ऑयल हमने ऐड कर लिया है और इसमें फिर हम ऐड करेंगे जो हमारे पाउडर्ड शुगर है, जो हमने शुगर और क्लोव को पाउडर करके रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे. एक हल्का सा मिक्स देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में हम मिक्स करके निकाल लेंगे. तो सब चीज़ अच्छे से मिक्स होने तक आपको इसको ग्राइंड करना है. जस्ट 1 मिनट उतना ही हमको उसको मिक्स करना है. हल्के से इसको मिक्स करना है और फिर हम इसको ऐड करेंगे एक बाउल में. तो हम इसको देखिए, हमने एक ग्लास बाउल ले लिया है, हम उसमें उसको ऐड करेंगे. और नेक्स्ट स्टेप है, हम इसमें डालेंगे मैदा यानी ऑल पर्पज़ फ्लार. 1 कप ऑफ ऑल पर्पज़ फ्लार हम इसको अच्छे से सीव करके निकाल लेंगे. क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कुछ कुछ ग्रेन्स या कुछ होंगे, तो इसीलिए हम इट्स बेटर टू सीव एंड टेक मैदा. तो इसमें हमने डाल दिया 1/4 teaspoon ऑफ बेकिंग सोडा एंड 1 teaspoon ऑफ बेकिंग पाउडर. इसको भी हमने सीव करके अच्छे से निकाल लिया है और देखिए ये हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. तो एक विस्क की हेल्प से हमको इसको अच्छे से मिक्स करना है. 1 से 2 मिनट हमको जब तक सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिल ना जाए उतना उसको मिक्स करना है. फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 teaspoon ऑफ कॉर्नफ्लावर और उसके बाद कॉर्नफ्लावर भी ऐड करके इसको अच्छे से एक मिक्स कर देंगे. और फिर हम ऐड करेंगे अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लिटिल वेरी लिटिल सॉल्ट. तो सॉल्ट को भी ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. नाउ द कंसिस्टेंसी इज़ रियली थिक, काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी है. तो हम इसमें वॉन्ग मिल्क भी ऐड करेंगे बट उसके पहले हम कैरेट को मिक्स करेंगे इसके अंदर. तो ये सभी चीज़ों को मिक्स करके हमने साइड में रख लिया है और ये जो हमारे ग्रेटेड कैरेट है इसमें हम ऐड करेंगे 1 teaspoon ऑफ मैदा यानी ऑल पर्पज़ फ्लार. इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मैदे को. इससे दो चीज़ें अच्छी हो जाएगी कि कैरेट थोड़े से ड्राई हो जाएंगे, थोड़ा सा वाटर अगर कैरेट में होगा तो वो ड्राई हो जाएगा और सेकेंडली केक के नीचे नहीं जाएगा, वो उस केक के अंदर अच्छे से मिल जाएगा वो. और साथ ही साथ हमने इसके अंदर नट्स भी ऐड करके रखे हैं, चॉप नट्स, टूटी फ्रूटी, किसमिस एंड कैशू नट्स. तो ये ऐड कर दिया है और ये सभी चीज़ें हम केक बैटर में मिक्स कर देंगे और केक बैटर को अच्छे से मिला लेंगे. देखिए थोड़ा सा केक बैटर थिक था, अब साथ ही में हम कैरेट और इसको अच्छे से मिला लेंगे. और देखिए ये सब चीज़ को मिलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे वॉर्म मिल्क. 2-3 tablespoons ऑफ वॉर्म मिल्क ऐड करेंगे जब तक ये थोड़ा सा कंसिस्टेंसी प्रॉपर ना हो जाए इसका.
तो ये देख सकते हैं कंसिस्टेंसी अच्छे से प्रॉपर हो चुकी है। 3-4 टेबलस्पून भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा रनी चाहिए, पर ज़्यादा रनी मत कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया है केक टिन और इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ग्रीस कर लेंगे केक टिन को और अच्छे से एक ब्रश की मदद से हम केक टिन को सभी ऊपर नीचे सब जगह हम इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ये हो गया, अच्छे से हमने इसको ग्रीस कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पेपर और बेकिंग पेपर से ये होगा कि नीचे चिपकेगा नहीं केक सो और बहुत आसानी से निकल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो केक बैटर हमारा रेडी हो चुका है, हमको इसको इसमें ऐड करना है। देखिए ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा रनी है, कंसिस्टेंसी यही होना चाहिए आपकी भी। और देखिए अच्छे से डैब कीजिएगा केक को ताकि एयर बबल्स निकल जाए। नाइसली यू हैव टू डैब इट। प्रेशर कुकर जो हमने लिया था वो हमने उसको प्रीहीट कर दिया है। ये देखिए प्रेशर कुकर में हमने एक पैकेट ऑफ सॉल्ट डाला और फिर हमने एक स्टैंड रखा था और फिर उसको हमने प्रीहीट किया था 10 मिनट्स के लिए। अब 10 मिनट्स बाद हमने इसमें स्टैंड के ऊपर हमने रख दिया अपना केक का बैटर और उसके बाद देखिए विदाउट विसल आपको रखना है इसको। और प्रेशर कुकर को आप बंद कीजिए और लो फ्लेम में 40-45 मिनट्स के लिए आराम से इसको रख दीजिए और 40-45 मिनट्स के बाद फ्लेम ऑफ कर लीजिए और कुकर का लिड ओपन करके आप देखिए, आप नाइफ की हेल्प से या कोई भी फोक की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं केक को। अगर नाइफ या फोक क्लीन निकलता है तो मतलब आपका केक रेडी हो चुका है। तो हमारा केक भी हो चुका है रेडी और हम इसको 10 मिनट्स रख देंगे ताकि आराम से ठंडा हो जाए। 10-15 मिनट आप छोड़ दीजिए और ठंडा होने के बाद नाइफ से सारे एजेस को कट कीजिए और आराम से निकल आएगा, वेरी इजीली निकल आएगा। ये देखिए ये जो बेकिंग पेपर है कितने ईजिली निकल आ गया और नीचे से भी ये बिल्कुल नहीं जला है। बहुत ईजिली और बहुत डिलिशियस केक बहुत आसानी से रेडी हो चुका है। तो हम आपको इसको स्लाइस करके दिखाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी सा केक बना है और इसमें कैरेट के जो श्रेड्स थे वो बहुत ही अच्छी तरह से दिख रहे थे। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू इंडियन किचन रेसिपी चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके भी बताइए कि आपको कैसा लगा और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी को, हमको बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो।